हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँ मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एक कस्टमर था जिनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी ख़राब हो गई थी, और बैटरी ख़राब होने के बाद उसमें से कुछ इतने सेल वापस निकल करके आए हैं जो कि उनकी 60 वोल्ट 33 AH की बैटरी थी। और यहाँ पर अभी हम लोग देख पा रहे होंगे इतने सेल जो कि इनके ओके टेस्टिंग में निकले। तो अभी क्या है कि उन्होंने कहा है कि इन्वर्टर बैटरी अगर हम डिज़ाइन कर पाएँ तो इन्वर्टर बैटरी को डिज़ाइन कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, आप इन्वर्टर बैटरी को डिज़ाइन करवा लीजिए जिसका बैकअप जो है 4 से 5 घंटे के बीच में आपका बैकअप मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 60 AH की बैटरी पैक बनाने वाले हैं, 12 वोल्ट 60 AH की बैटरी पैक। आप देखते रहिए और सीखिए कि 12 वोल्ट 60 AH की बैटरी पैक इन्वर्टर कैसे बनती है। इन्वर्टर बैटरी पैक बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपकी भी लिथियम बैटरी ख़राब हो जाती है, उसकी कॉस्टिंग नहीं मिलती है, और अगर आप भी इन्वर्टर बैटरी बनवाना चाहते हैं तो इसको देख करके आप इन्वर्टर बैटरी बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये जो सेल है वो आपका, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 5000 mAh 26650 3.6 वोल्ट 4.2 वोल्ट फुल चार्ज, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, और ये मेड इन चाइना जो कि किसी ने लगा करके दिया था। सेल की कैपेसिटी जो कि अभी ओके है, इतने जितने भी सेल हैं ये सारी कैपेसिटी ओके है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको कुछ लेना होगा, कुछ इस तरीके के सेल होल्डर्स जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए आ चुका है मेरे पास सेल होल्डर्स। तो आपको चाहिए कुछ इस प्रकार के सेल होल्डर्स, और सेल होल्डर के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 12 वोल्ट की हमको बैटरी का सेल होल्डर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सेल होल्डर के साथ साथ सेल को भी लगा लिया है। अभी क्या करेंगे कि इसके ऊपर का जो ये मटेरियल लगा हुआ है इसको ग्राइंड करेंगे और फिर से इसको रीपैक बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे मैंने बैटरी को लगाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एक सीरीज है वो 3 वोल्ट की है और जो फुल चार्ज होगी वो 4.2 होगी। तो यहाँ पर आप 4 मान लेते हैं तो भी आप 4 4 2 8 4 3 12 हो जाएगा, मतलब कि एक 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। और जो एज कैपेसिटी है वो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे 10 20 30 40 50 60 AH की कैपेसिटी, जो कि आप देख पा रहे होंगे पैलर में सेल लगे हुए हैं। कितने सेल लगे हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेल लगे हैं, मतलब कि 12 सेल पैरलर में लगे हैं और 3 सीरीज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी इसके बाद स्पॉट करते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें BMS कैसे लगाएंगे और इसको कैसे एक्टिव करेंगे अपने इन्वर्टर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरी बैटरी बन करके ओके हो गई है। यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो सीरीज निकली थी वो एक दो और एक तीन सीरीज निकली थी, जिसमें से एक प्लस था और एक माइनस था। जो पहली सीरीज थी वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहली सीरीज में 0 वोल्ट आ रही थी और जो दूसरी सीरीज थी वहाँ पर 4 वोल्टेज आ रही थी, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जोड़ी गई है। और जो तीसरी सीरीज थी वो यहाँ पर 8.4 वोल्टेज आ रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जुड़ी है। और जो प्लस पॉइंट है जो कि 12 वोल्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक बैटरी तैयार हो गई है, 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें जो करंट है वो पूरी ओके आ रही है। अभी हम लोग मल्टीमीटर के सहारे से इसको टेस्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मल्टीमीटर का प्लस पॉइंट यहाँ पे टच करा है और जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर, और यहाँ पर जो फुल वोल्टेज निकल के आ रही है वो 10.33 निकल करके आ रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो बैटरी अभी डिस्चार्ज है और इसको चार्ज करने के लिए हम लोगों को एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी इन्वर्टर से ही करेंगे। तो इसको सबसे पहले अभी हम लोग चार्ज करते हैं किसी तरीके, 12 वोल्ट की कोई भी सप्लाई हो आप इसको लगा करके चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए चार्ज करते हैं और फिर डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी 12 वोल्ट की इन्वर्टर बैटरी रेडी और अब हम लोग इसको इन्वर्टर में लगा करके चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं आराम से। खाली यहाँ पर आपको टेपिंग करने की ज़रूरत है, तो अभी हम लोग टेपिंग कर लेंगे इसको फुल एंड फाइनली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वोल्टेज है वो आप देख पाएंगे 10.33 वोल्टेज आ रही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिलहाल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।